नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंड बैक या फिर डाम कैन की कटिंग कैसे लगाई जाती है। नर्सरी से जब पौधा लाते हैं, 150, 200, 250 रुपया लेते हैं, आप आसानी से घर में इसको, इसके जो स्टेम है, इसे आसानी से आपको कटिंग लगा सकते हैं। और कितनी कितनी एक पौधे से आपको कितनी कटिंग ले सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। टी पोर्शन से थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस करते हैं। छोटे छोटे पीसेस करने से आपको एक शार्प नाइफ लें, एक चाकू लें, उसमें थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या डेटॉल या इस तरह के कोई चीज़ से इसको स्टेरिलाइज कर ले अच्छी तरह से। आपके पास अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं तो डेटॉल से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है हमारे पास, उससे कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको कटिंग कैसे लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे एक शार्प कट मैं लगाऊंगा, यहाँ पर से शार्प कट होना चाहिए और एक बार में कट लगना चाहिए। ये देखिए कितनी तरह से साफ कटिंग हो गई है। इस कट लगने के बाद इसमें मैं से छोटे छोटे पीसेस निकालूंगा स्टेम के। और ये जो मिट्टी है, ये गार्डन सॉइल है, प्लेन गार्डन सॉइल, इसमें कोई भी खाद वगैरह कुछ नहीं है। प्लेन गार्डन सॉइल अच्छी तरह से सुखाई गई हुई और पाउडर की हुई गई मिट्टी है, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी लीजिए। और ये जो टिप पोर्सन है, टिप पोर्सन को हम जो पोर्सन है, इसमें मिट्टी डाल के और इसको हम बिठा देंगे। आपको ये तरीका सीखिए और आपके घर के जितने भी डमकेन हैं, आप आसानी से बहुत सारे पीसेस बना सकते हैं। नर्सरी वाले आपको कभी नहीं बताते इसकी कटिंग, क्योंकि वो काफ़ी पैसे में बेचते हैं। और ये देखिए, हमने इस अच्छी तरह से सपोर्ट दे, क्योंकि भारी होता है टिप पोर्शन। ये जो मिट्टी जो डालेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से दबा दें। मिट्टी दबाने के बाद ये देखिए, आपको कुछ भी प्रयोग नहीं किया हमने, ना कोई हार्मोन पाउडर, ना कोई यहाँ पर फंगिसाइड, कुछ भी नहीं। और देखिए, यहाँ पर इसमें बिठा दिया। और ये जो स्टेम पोर्शन बाकी रहा, स्टेम पोर्शन से हम करीब 2-2.5 इंच के एक एक पीस इसमें से काट लेंगे। शार्प कट लेना पड़ेगा आपको, और क्योंकि बीच में आपको दो दो इंटरनोड, यानी कि यहाँ पर से जो है आई दिख रहे हैं, बीच बीच में जो रिंग तरह की दिख रही है आपको, ये आई है उसकी। ये आई पोर्शन, दो दो करीब आई पोर्शन होना चाहिए, जहाँ से नए ब्रांचेस निकलेंगे। और ये जो बचा हुआ पोर्शन, इसमें से हर एक से एक एक दो दो पौधे निकलेंगे। और ये जो बचा पोर्शन है, यहाँ से भी काफ़ी सारे ब्रांचेस आएंगे। करीब 2-3 महीने लगते हैं ब्रांचेस आने में, बिल्कुल ये नया पौधा हो जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, एक भी पोर्शन बेकार नहीं जाएगा। और ये जो 5 महीने कटिंग पोर्शन लिया है, इसको मैं एक एक गमला लेता हूँ, एक एक गमले में एक एक जो कटिंग है इसको मैं बिठा देता हूँ। वही सेम मिट्टी में बिठाऊंगा, क्योंकि इसमें से अलग से कोई मिट्टी नहीं लूंगा, ना इसमें कोई खाद दूंगा, ना इसमें कोई पाउडर मिलाऊंगा, कुछ नहीं। ये प्लेन मिट्टी इसको बिठा दीजिए। प्लेन मिट्टी भरने के बाद आप इसमें, आपको ये जो डिफेन बेकिया है, डिफेन बेकिया की जो कटिंग है, दो तरह से आप कटिंग बिठा सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको दिखाता हूँ कि दो तरह से आप कैसे कैसे आपको कटिंग बिठा सकते हैं। ये देखिए, मिट्टी का थोड़ा लेयर देख लीजिए। और देखिए, एक तो है आप खड़ा वाला पोर्शन कीजिए, नीचे वाला पोर्शन नीचे होना चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि उल्टा नहीं हो जाए। और ये देखिए, हमने बिठा देते करीब 1 इंच नीचे, इसको दबा देंगे। करीब 2 इंच या 2.5 इंच की कटिंग है, तो 1 इंच इसको मिट्टी के नीचे हम लोग दबा देंगे। दूसरा भी जो है, ये देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन हम ऊपर रख के नीचे वाला पोर्शन नीचे करेंगे, क्योंकि नहीं तो उल्टा होने से दिक्कत हो जाएगी। दूसरी क्या है, ये हम हॉरिजॉन्टली बिठाएंगे। ये हॉरिजॉन्टली की जो आई है, ये आई पोर्शन को हम दिखने, ये आई पोर्शन से लिखनी, ये नई नई जो शाखाएँ हैं, नए नए जो ब्रांचेस है, प्लांट्स निकलेंगे, ये देखिए हमने बिठा देते हैं। बिठाने के बाद इसको हल्का सा लेयर से उसी मिट्टी से आप इसको कवर कर दें, प्लेन मिट्टी से इसका कवर कर दें आप। ये देखिए, हमने प्लेन मिट्टी से कवर कर दिया इसको। और देखिए, इसमें अब क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें सिर्फ पानी डाल देना, अच्छी तरह से पानी डाल देना। पानी डालने के बाद इसको सेमी से धीरे हमें रख देना है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग लगा दी है। ये तो हो गया 5 गमले, यहाँ पर एक कटिंग लगे। और जो टिप पोर्शन है, टिप पोर्शन का वहाँ पर है, टिप पोर्शन वहाँ ग्रो करेगा, जहाँ पर ब्रांच लगा था वहाँ पर से अलग ग्रो करेगा। तो इस तरह से हमारे 6-7 कटिंग हो जाएंगे। ये देखिए, 5 तो यहाँ पर है, एक वो टिप पोर्शन में और एक जो गमला में रह गया वो है। तो अब हम इसको पानी डाल देंगे और सेमी से डेरिया में रख देंगे। करीब 15 दिन 20 दिन हम सेमी से डेरिया में रख देंगे, और उसके बाद करीब हम इसको निकाल देंगे धूप में, बिल्कुल बारिश में, ओपन एयर में। और करीब 2 से 2.5 या 3 महीने में इसकी कटिंग बिल्कुल ग्रो हो जाती है। ये सेमी सेड में रख रहे हैं ताकि इसको अभी सपोर्ट की जरूरत है, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। चलिए देखते हैं 3 महीने बाद। दोस्तों, 3 महीने बाद आपका फिर से स्वागत है। और ये देखिए, डिफेंडर के कटिंग का कैसे ग्रो करते हैं, बहुत सुंदर। ये जो मेन प्लांट था जहाँ पर हमने कटिंग की थी, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पत्ता हटा के दिखा रहा हूँ। ये कटिंग का पोर्शन है जहाँ से हमने कटिंग टिप पोर्शन हटाई थी। और उसके बाद देखिए, इसमें से ये एक ब्रांच निकला है, ये एक नंबर, ये दो दूसरा ब्रांचेस है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये देखिए यहाँ पर से एक पत्ता निकल रहे हैं, तो ये पांचवा है। इस तरह से आपका 5 पौधा, इसमें से 5 स्टेम्स इसमें से निकला है। और जो टिप पोर्शन है, टिप पोर्शन का ये जो पौधा है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा, ये अच्छा ग्रोथ कर लिया है,
पूरा तैयार हो गया है। और हमने जो छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, खोल के इसको नीचे से निकाल के तोड़ के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये जो थी ये स्टेम थी, ये स्टेम थी छोटी सी, इसमें से हमारे ये पौधा बना है। ये बना है, देखिए यहाँ से निकला है, यहाँ से निकल के ये पूरा एक प्लांट बन गया है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, इसमें तो एक की जगह दो पौधा बन गया है, और भी अच्छा। देखिए ये अलग पौधा बन गया है यहाँ से कटिंग होके। और ये देखिए स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ब्रांचेस है यहाँ से आया है पौधा। और ये देखिए कितना सुंदर, एक स्टेम से इस तरह से एक बन गया, और इधर से साइड से पप्स और एक निकल गया, तो दो पौधा आपका इसमें से बन गया, डिफेंड बन गया। और ये एक मैं दिखाता हूँ आपको, ये सुंदर देखिए, यहाँ से एक साइड से, ये मैं मिट्टी हटाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से लगा देंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है कि पौधा मर जाएगा या ऐसे कुछ कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये डिफेनबकिया की कटिंग बहुत अच्छी है, कोई भी तरह से आप स्टेम लगाइए, टिप स्टेम कराइए, साइड लगाइए, छोटा कटिंग लगाइए, बड़ा कर दीजिए, ये और जो जहाँ से काट रहे हैं आप वहाँ से फिर पांच छह ब्रांच। ये देखिए पौधा कितना सुंदर आप लग रहा है, पहले जो था एक स्टेम वाला था, अब सर पांच स्टेम हो गया इसमें, ये बंच हो जाएगा, इसमें भर जाएगा पूरा। ये डिफेनबकिया की कटिंग का तरीका है, आप भी इस तरह से कटिंग लगाइए और आप देखिए कि कितना सुंदर होगा। और डरने की बात नहीं, जहाँ टिप से पोर्शन का काटेंगे तो साइड से तीन चार ब्रांच और भी निकल जाएंगे, और जो टिप से होगा तो इस तरह से एक पौधा टिप वाला बन जाएगा, और जितने छोटे छोटे ब्रांचेस करेंगे तो इस तरह के आपके पौधे बन जाएंगे। तो ये रहा पूरा वीडियो, आप डिफेनबकिया की कटिंग घर में कीजिए, और डरने वाली कोई बात नहीं, कोई शेड में या सेमी शेड में रखिए 15-20 दिन, उसके बाद ओपन में रख दीजिए, बरसात का पानी हो, गर्म में हो, सब में हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग में पैसन हिंदी भाषा में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।